क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। और टाइम हो गया 5:22। मैं फटाफट आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कर देता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत वीक हो चुका है, स्ट्रक्चर ख़राब है और अगले हफ्ते भी मुझे इसमें 1000 पॉइंट की लगभग गिरावट दिख रही है यहाँ से ही। और ये आप 20 में देखेंगे जो ग्रीन वाली लाइन है, इसने 20 या 50 को क्रॉस करके अच्छा खासा नीचे आ गई है। ये आ गई है 33,642 और 50 EMA आ गए 33,774। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, जब ये सिनेरियो बने तो क्या होता है, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को देखना है, डेफिनेटली देखना है। और मुझे कमजोरी दिख रहा है भैया बैंक सेक्टर, ठीक है, इनकी पेंट ना उतर जाए, उतर रही है ठीक है। और इसमें आप चीज़ याद रखें, जो आज का लो है ना, आज का लो क्या है भैया, एक बार यहाँ देख लेते हैं। आज का लो है यहाँ पे आएगा 342, ठीक है। आप एक लेवल नोट करके रखें 350, 32,350। इसके नीचे बैंक निफ्टी चलता है ठीक है। आपको बैंक निफ्टी को करना है शॉर्ट, और एक बार वो ये जो 100 EMA यहाँ पे ऑब्जर्व करना है उसका बिहेवियर क्या है। हाल तो मेरे को ताकत लग नहीं रही है कि भैया यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जंप मारेगा, ठीक है, यहाँ मेरे को नहीं लग रही है इसमें। और इसके नीचे जाते ही आपको एक बार इस लेवल के जरूर दर्शन होंगे, 31,540। उससे पहले एक हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, वो गिरावट कह रहा हूँ रुकावट आ सकती है, वो है ये वाला लेवल। वो भी कोई इतना पास नहीं है। ये दो कैंडल जो दिख रही है ना आपको, ये वाली और ये वाली, इनका लो आप चेक करिएगा ठीक है। ये बैंक निफ्टी बाय, तो भैया जब अब देखो इसको बाय करना ही नहीं है, ये है बहुत वीक, ये इसका 10 EMA में। मैं उस वीडियो में बताऊंगा इसमें क्या करना होता है, मैं यहाँ फिलहाल सिर्फ लेवल ही डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज ये वीडियो में काफ़ी खिचड़ी बन जाएगी ठीक है। दैट्स इट, यहीं देखो इसकी कैसे जान निकलती रही, तोड़ ही नहीं रहा है ठीक है। चलो देखते हैं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये इसका बाई बनेगा अभी, इससे पहले बाई नहीं बनता। और वो बाई भी अब बैंक निफ्टी में पता है कैसे बनेंगे, 300 पॉइंट 400 पॉइंट इसके लिए लंबे बाई नहीं बनेंगे ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता लंबे बाई बनेंगे। मैं 31,760 इसके ऊपर बाय करना है, और फिर 880 ठीक है, 880 और देन 880 पार करेगा तो एक बार 33,150 यहाँ पे। यस, इससे ऊपर के मेरा मन नहीं है आपको मैं बैंक निफ्टी बताने का, ना ही मुझे लग रहा है कि अगले वीक इससे ऊपर जाएगा। और अब एक चीज़ आपने दिमाग में रखिएगा, जितने EMA अब ये ऊपर हो गए हैं ये सारे के सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए ठीक है। ये जितने EMAs अब ऊपर हो गए हैं, और अब ये बस पिछले 4-5 दिन से अपने 100 EMA को बचा रहा है ठीक है। इसके नीचे जाते ही तो इसको एकदम से एक सडन गिरावट आएगी, जो इसको 31,500 31,400 भी देखने को मिल सकता है आपको नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे, निफ्टी पे देखो इसने कल, देखो देखो दोस्तों ऑब्जर्व करने का क्या है, अगर मतलब आप ये देखो जो कल जो कैंडल बनी है उसके नीचे क्लोजिंग आई है कि नहीं आई है, उसका जो लो था वो तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, तो मतलब फॉलो अप चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। कल कैंडल का क्लोजिंग लो था, हालांकि आज गिरावट आनी चाहिए थी इसमें भी, पर कोई नहीं चलो मंडे को आएगी शायद। लो था 821, कल की कैंडल का लो था, और आज की कैंडल का लो है 786, मतलब प्रीवियसली लो को भी तोड़ा है, प्रीवियसली क्लोजिंग को भी क्लोजिंग बेस पे तोड़ा है ठीक है। तो आप ये लेवल नोट करके रखो, आपको 780 के नीचे अगले वीक में सेल करना है। बाकी ये मैंने आपको उस दिन समझाया ही था, जब कोई चैनल फॉलो कर रहा हो उसके आसपास मिले तो पक्का उसको ठोकना चाहिए उसके अपर एंड पे, और उसके लोअर एंड पे जब मिले तो वहाँ पक्का बाय करना चाहिए, एंड बी रेडी फॉर कॉन्ट्रा ट्रेड अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आती है। जिधर तोड़ेगा वहाँ पे 800 पॉइंट देगा, क्योंकि ये कितने 700 के करीब का ये वो बन रहा है चैनल, इसके नीचे तोड़ेगा यहाँ से 700 पॉइंट मिलेंगे, इसके ऊपर तोड़ोगे क्लोजिंग कर देगा तो वहाँ 700 पॉइंट मिलेंगे ठीक है। तो अब 780 के नीचे आपको सेल करना है, और 738
ठीक है 7:38, यहाँ पे एक बार थोड़ा इसको रुकावट मिल सकती है, 7:38 7:40 उसके भी नीचे चला जाता है तो फिर आएगा आपका ये 50 EM, जिसके नीचे ये क्लोज मान ही नहीं रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 50, जब तक ये 50 EMA के ऊपर है मैं निफ्टी को वीक मान ही नहीं सकता। इवन मैं निफ्टी में इतना दम देख रहा हूँ कि वो बैंक निफ्टी को भी खींच सकता है। और देखो सारे EMAs के ऊपर ही है, अभी अभी सारे EMAs के ऊपर ही है। और आज तो हालत ये हो गई थी भैया, ये कहीं 10 EMAs के 20 EMA को ना काट दे, ठीक है, पर ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इतना खराब हो चुका है भैया, इसमें कम से कम 1000-2000 पॉइंट की तेजी चाहिए अगर इसको अपना स्ट्रक्चर ठीक करना है, जो कि मुझे नहीं दिख रही आती हुई। और वो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बैंक निफ्टी वही कह रहा है निफ्टी से, ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी से वही कहानी कह रहा है कि भैया तू कुछ भी करता रहा, जितना मर्जी जोर लगाता रहा। और इसमें भी अभी एक दो फार्मा लेबोरेटरी और क्या कहते हैं IT का जोर है, ठीक है। और दोस्तों IT से अलर्ट रहिएगा, जैसे कि देखो TCS का रिजल्ट आएगा, सबको पता है अच्छा आएगा। आज IT में लास्ट में बाइंग भी दिख रही थी हर एक स्टॉक में, पर हो सकता है भैया रिजल्ट अच्छा है और वहाँ सेलिंग हो जाए मंडे को, तो बी रेडी, लेवल मार्क करके रखिए कि भैया इससे नीचे तो मैं रुकूंगा ही नहीं, अपना पोजीशन काट लूंगा, ठीक है। विप्रो मैंने आपको 441 पे बाय में बोला था, वो 450 क्रॉस किया उसने आज, तो वहाँ मुझे 455 और 459 के करीब आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसको भी एक अलग से जो स्टॉक्स की वीडियो डालूंगा मैं, स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक, उसको देख लेंगे। अब ये आ गया, मैंने नीचे के लेवल बता दिए। अब पर भैया ऑलवेज ऑलवेज बी रेडी, क्या पता कौन सी गुड न्यूज़ आ जाए और मार्केट जो है ऊपर की दिशा पकड़े, तो उसको भी हमें लेवल पे डिस्कस करना चाहिए। ये है, ठीक है। तो 880 घूम फिर के वही लेवल आता है दोस्तों, देखो 880, एट कहाँ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, गिरी गिरी है, सॉरी सॉरी, 880, इससे ऊपर निकले तो बाय करना है आपको। और एक बार कोशिश हो जाना है जब ये 930 940 आ जाए, बस यहाँ पे डेफिनेटली चुपचाप बैठ जाना है, फिर बाई करना है आपको 960 के ऊपर ही, अदरवाइज बाय नहीं करना है। और अब आप इसमें एक चीज, ये यहाँ से भी अब ये ट्रेंड फॉलो करते हुए नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट चलेगी, ठीक है, ये क्यों, क्योंकि इसने इसको तोड़ा है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। चैनल के अंदर भी ट्रेंड लाइन बनाते हुए चलना है, यहाँ फॉलो करते हुए आया, ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक किया तो नीचे की तरफ जा रहा है, अब ये चल रहा है। अभी जैसे जैसे ये इसके करीब आता रहेगा, फंसता रहेगा ये लाइन तोड़ के नीचे, ये वाली लाइन तोड़ के फिर आपको एक एक रुकावट इसमें यहाँ भी मिलेगी 630-40, वहीं 50 EMA वहीं आ रहा है, ठीक है, 50 EMA हमारा वहीं आ रहा है। डेली चार्ट में आप लगा के देखेंगे ये। अब आ जाते हैं हम इसकी वीकली कैंडल भी देख लेते हैं दोस्तों, एक बार वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। अब ये देखो वीकली कैंडल क्या बनी है, यहाँ पे मैं थोड़ा लाइव माइंड मिटाता हूँ ताकि आपको वीकली कैंडल का एनालिसिस बता सकूँ, कितना नीचे गया इस वीक में, पर क्लोजिंग क्या आई है, ग्रीन आई है, बट एक डोजी टाइप कैंडल बनी है जिसकी बॉडी थोड़ी ऊपर है, मतलब जहां मार्केट शुरू हुआ और हल्का सा ऊपर जाके खत्म हुआ, ठीक है। तो अब देखो एनालाइज देखो कैसे किया जाए, इसका भी वीकली चार्ट लगा हुआ, वीकली चार्ट में ये अपने 10 EMA से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी इवन 20 EMA के पास आ चुका है वीकली चार्ट में, ठीक है। वहीं निफ्टी वीकली चार्ट में 10 EMA के नीचे भी नहीं, वो आ रहा है इसका कितना 660-670 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 14,500, और ये EMA अब ऊपर जाता जा रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर गया, तो ये EMA
अगले वीक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 14,660। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये जो EMA आ रहा है, और जिस दिन इसके नीचे इसने क्लोज दे दिया तो भैया फिर नीचे की गाड़ियां शुरू हो जाएंगी और ये नीचे का लेवल इस बार टच करने आएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं EMA के बेस की बात करूं तो मुझे अगले एक महीने के अंदर अंदर ये वाली लाइन टच होती हुई दिख रही है, ये ग्रीन लाइन, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ये ग्रीन क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 14,179, 14,200। ठीक है, बाकी देखते हैं, ये एक बार टच होना चाहिए, अगली तेजी अगर इसमें बाकी है तो ये एक बार टच होना चाहिए। ये डिटेल स्टडी है, मैं करूँगा दोस्तों, आपको बताऊँगा, काफ़ी कुछ है जो बताना बाकी है। अभी नंबर आ गया है इस चीज़ का, यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन रही है डेली कैंडल में, EMAs इसको कैसे खेला जाए, और आप बोलोगे क्या चीज़ बताइए। ठीक है, एनीवे दोस्तों वेट कीजिएगा और कल डेफिनेटली बताऊंगा। ये मेरा एनालिसिस था जो मैंने बता दिया, मैं किसी दूसरे को कॉपी नहीं करता हूँ, अपना दम, अपनी स्टडी, अपना वो, आपको टॉप से ही सेल करवाया बैंक निफ्टी 31,000 कितना 175-180 चल रहा था, और आपको बोला था नेक्स्ट वीक आपको 32,400 पहले देखने को मिलेगा और फिर 32,000 भी देखने को मिलेगा। 32,400 इनफैक्ट आपको सुबह याद देखने को मिल गया, इतनी जल्दी आ गया, तो मैंने वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने का एक वीडियो भी बना के डाला। ठीक है कि भाई यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि यहाँ पे अटक रहा है तो वहाँ से तेजी दिखाएगा। तो दोबारा इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने आज आपको लेवल दे दिए, निफ्टी ऑलरेडी शॉर्ट में है हम लोग, 947 से ही मैंने वीडियो बना के जस्ट 3 रुपये का वहाँ पे 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको दिया था कि 950 के ऊपर क्लोज कर दे तो इसका स्टॉप लॉस है, और कितना चल रहा है 14,947 चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो टेलीग्राम पे नहीं है टेलीग्राम पे जुड़िए, जिसको उसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और क्या कहते हैं मेरी कम्युनिटी का जो लास्ट पोस्ट है उसमें भी वही कहानी है जो उसमें है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।